हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। हम एमपीपीएससी की स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज लॉन्च की थी हमने, जिसमें आज जो है सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो नियरली 10 जनवरी के आसपास आना चाहिए, आने ही वाला है ये कह सकते हैं अपन। इसलिए क्योंकि अभी जो मेन मैटर चल रहा था वो एसिड अटैक्स वालों को भी ऐड किया गया है कैटेगरी में, जिसके कारण से अभी नोटिफिकेशन रुका हुआ था, बट स्टिल आने वाला है नोटिफिकेशन, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं स्पेशल क्वेश्चंस की जो सीरीज है ना। डेली मैंने कहा था 15 क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाया करेंगे, अच्छे क्वेश्चन। इसमें कुछ एमपीपीएससी के रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एमपीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहां कहां से आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो उसमें लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन एमपी। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन एमपी अगर देखा जाए तो अभी तक जो प्रेजेंट में थे वो 51 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, कितने 51 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें 2013 में एक डिस्ट्रिक्ट बना था, 2013 में एक डिस्ट्रिक्ट बना था आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा बना था, तो 51 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे। उसके बाद अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो 52 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं। 52 डिस्ट्रिक्ट्स कैसे, अभी एक रिसेंट में डिस्ट्रिक्ट बना है 1 अक्टूबर 2018 में, एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका नाम है निवारी। ठीक है, निवारी डिस्ट्रिक्ट, ये कहां से, टीकमगढ़ से, जो ओरछा वाला पार्ट है वो अलग होके 3 तहसील हैं इसमें, और ये जो है ऑफिशियली बन चुका है 1 अक्टूबर 2018 को ये लाइट में आ गया है। ठीक है, तो अब अगर पूछा जाए कि एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो अपन क्या बताएंगे आंसर, 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन एमपी, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन एमपी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, तो ये अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी यानी 11 नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में कितने 11 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से 6 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। ठीक है, 6 नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, उसके अलावा एक सेंचुरी भी है, एक सेंचुरी है रातापानी। ठीक है, एक सेंचुरी है रातापानी जो कि किसमें शामिल है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। सेंचुरी के बारे में हमेशा ये चीज याद रखना कि इंडिया के अंदर, एमपी के अंदर या इंडिया के अंदर आप कह सकते हैं पहली सेंचुरी होगी जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल की गई है, रातापानी है रायसेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बारे में और चीजें जानना चाहते हैं तो हमारा नेशनल पार्क का एक वीडियो ही है, ठीक है, जिसमें पूरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क दोनों के बारे में बताया गया है, सारी डिटेल्स कवर की गई है। अभी तो फिलहाल ये है कि लोकेटेड कहाँ है, तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है, जैसे ये 32 हिल्स से घिरा हुआ है, यहाँ की टाइगर डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा जो 3 रीजन में बांटा गया है उनमें टाइगर डेंसिटी क्या क्या है, किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क का जो वीडियो है, नेशनल पार्क का पहला वीडियो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कवर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, कितने सीट्स हैं अगर देखा जाए तो 230 सीट्स हैं, कितनी 230, अगर वैसे देखा जाए तो एक मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड भी रहता है, तो टोटल लिख देते हैं 231 सीट्स, बट स्टिल अगर सिर्फ देखा जाए जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो उनके हिसाब से 230 सीट्स हैं अपने एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। अगर गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश देखा जाए तो इनमें बाकी जो है वो कोई भी गवर्नर नहीं बने थे, सिर्फ इसमें एक ही है जो ऑप्शन नंबर 1 में है, आपके पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये पहले गवर्नर थे किसके, एमपी के। ठीक है, इसके अलावा और भी बात बता दूं कि ये बहुत मतलब क्लोज थे किसके, महात्मा गांधी के। ठीक है, महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज रिलेशन थे इनसे। 1939 में अगर आपको याद हो तो इलेक्शन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें हरा दिया था, उसके बाद गांधी जी थोड़ा नाराज से हो गए थे। ठीक है, तो वो यही पट्टाभी सीतारमैया थे जो हार गए थे, जिनकी हार को गांधी जी ने दिल पे ले लिया था और छोड़ के चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये है, इन विच ईयर खजुराहो डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की मध्य प्रदेश के अंदर कितनी है, 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, अच्छा, खजुराहो को कब डिक्लेयर किया है, खजुराहो को 1986 में डिक्लेयर किया गया था,
1986 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, किसको, खजुराहो को, ठीक है। इसके अलावा दो और हैं हेरिटेज साइट्स, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर टोटल तीन हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर किया है और रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बढ़ते हैं, विच ट्राइब इज लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी, एमपी की लार्जेस्ट ट्राइब इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो अगर एमपी की पूछी जा रही है तो भील जो है, ठीक है, भील जो है वो लार्जेस्ट ट्राइब है, किसकी, एमपी की, ठीक है, भील ट्राइब। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गोंड ट्राइब जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की, वहीं कह सकते हैं इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है गोंड, ठीक है। तो भील जो है वो एमपी की लार्जेस्ट ट्राइब है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर, मध्य प्रदेश की अगर लॉन्गेस्ट रिवर देखी जाए तो वो है नर्मदा। नर्मदा कितना एरिया कवर करती है या कितना चलती है, 1312 इतना डिस्टेंस ये कवर करती है, जिसमें से 1077 किलोमीटर सिर्फ एमपी के अंदर कवर करती है, या आप कह सकते हैं 89.9%। उसके अलावा और डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमारा जो इसका रिवर्स का वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन कवर की गई है, ठीक है। नर्मदा पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे चंबल है, ठीक है, थर्ड नंबर पे सोन है, और ताप्ती इनके बाद आती है, ठीक है। तो ये रिवर्स का सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ एमपी, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और एक तो वुमेन सीएम अभी तक हुई ही है, उमा भारती, ठीक है। तो उमा भारती है फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। अच्छा, एमपी का जो न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट है, अभी शुरू में जो अपन ने डिस्कस किया था, मैंने बताया था निवारी जो है, ठीक है, निवारी जो है अभी अभी नया नया बना है डिस्ट्रिक्ट, कब बना है, 1 अक्टूबर 2018 में, ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 में, और इसीलिए एमपी में डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है वो हो चुकी है 52, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती रूल्ड विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी दुर्गावती ने कौन से रीजन मध्य प्रदेश में रूल किया था, तो ये है रीजन गोंडवाना रीजन, ठीक है, गोंडवाना रीजन में उन्होंने रूल किया था। उसके अलावा एक और चीज बता दूं आपको कि इनकी जो शादी हुई थी, ठीक है, तो वो गोंड किंग से हुई थी, ठीक है, गोंड किंग हुआ करते थे, उनसे हुई थी, बाद में वो एक्सपायर हो गए थे, जिसके कारण फिर रूल किसने किया था, दुर्गावती ने रूल किया था अपने बेटे के बिहाफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पे है, तो इसका सही ऑप्शन है देवास, ठीक है, कहां पे है, देवास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क सिचुएटेड, ठीक है, मध्य प्रदेश में कहां पे सिचुएटेड है, तो ये है आपके इंदौर में, कहां पे, इंदौर में, इंदौर जो है आपकी औद्योगिक राजधानी भी है, उसके अलावा मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कि अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज जब चलेंगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन कवर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, तो यह एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1961 में, ठीक है, 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे इसको, 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम जो एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द हाईएस्ट पीक इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक जो है वो है धूपगढ़, कितनी हाइट है, 1350 meters, ठीक है, 1350 meter हाइट है धूपगढ़ की, ये हाईएस्ट पीक है किसकी, एमपी की। उसके अलावा सेकेंड हाईएस्ट पीक अगर देखा जाए तो वो है अपनी सिद्ध बाबा, कितनी है, 1172 meters, ठीक है, ये जो ज्योग्राफिकल फीचर वाला पार्ट है उसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन ही कवर की है। थर्ड हाईएस्ट पीक अगर देखा जाए तो सिगार है, ठीक है। अच्छा, ये 1350 जो है धूपगढ़, ये पड़ता है आपके सतपुड़ा में, ठीक है, 1172 meters हाइट का जो है सिद्ध बाबा, ये आपका पड़ता है बुंदेलखंड में, और 881 meters, ठीक है, 881 meters जो है आपकी सिगार पर्वत, ये पड़ता है मालवा, मतलब मालवा की हाईएस्ट पीक है। ये कंटिन्यूअस तीन पीक्स हो गई मध्य प्रदेश की, ठीक है, इसी तरह की सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू।